क्या आपने कभी ये सोचा है कि कीबोर्ड पर बने बटन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ABCD इस फॉर्मेट में क्यों नहीं होते, वो हमेशा QWERTY फॉर्मेट में क्यों होते हैं? तो चलिए जानते हैं। सन 1868 में क्रिस्टोफर स्टूल्स ने अमेरिका में रेमिंगटन 1 नाम का पहला टाइपराइटर बनाया था। इसमें इस्तेमाल होने वाली कीज मैकेनिकल इनपुट पर काम करती थी। शुरू में टाइपराइटर पर लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी कि ABCD में लगे हुए रहते थे और इसी वजह से लोग उसे जल्दी लर्न कर लेते थे और जल्दी जल्दी टाइप करने लगते थे। मैकेनिकल टाइपराइटर पर टाइपिंग करने के वक्त ज्यादातर वर्ड्स के लेटर आसपास होते थे और लगातार इस्तेमाल होने से टाइपिंग कीज जाम हो जाती थी, जिस वजह से सन 1870 में क्रिस्टोफर स्टूल्स ने टाइपराइटर में बटन्स को फिर से इस तरह से अरेंज किया कि बटन्स कम से कम आपस में जाम हो। QWERTY कीबोर्ड के शुरू के 6 लेटर्स की वजह से उसे QWERTY कीबोर्ड नाम दिया गया। इस कीबोर्ड के इस्तेमाल और आदत की वजह से कंप्यूटर कीबोर्ड्स और मोबाइल में भी QWERTY लेआउट ही रखा गया। इसी वजह से दोस्तों आज हमें अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल में QWERTY कीबोर्ड का लेआउट देखने को मिलता है, ताकि हमें टाइप करने में आसानी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हमेशा लाता रहता हूं।